हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे भाई। और आज है मंडे और 29 जुलाई, तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखें कि मार्केट अप जाएगी या ऊपर जाएगी। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। और आपको न्यू वीडियो जल्दी मिलने वाली है, फोरेक्स SMC4 के नाम से अभी आएगी 2 या 3 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम एक बार, और आज के अपनी ट्रेड देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने बाई करना है, कहाँ पर हमने सेल करना है। तो ये सबसे पहले एक मैंने सप्लाई दी थी फ्राइडे को, वीरवार को दी थी मैंने, जो एनालिसिस वीरवार को किया था। और एक ये सप्लाई दी थी मैंने कि यहाँ पे मार्केट अगर जब भी आएगी, अगर वो CHO CH देगी तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे नीचे यहाँ तक कम से कम भी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे क्लोज थी और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप ओपन किया मार्केट में यहाँ से, तो इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। कोई हमें मौका ही नहीं दिया कि हम यहाँ पे सेल कर सकें। तो दूसरी चीज़, अब क्या मार्केट अभी सप्लाई पे, एक सप्लाई ये बची और एक हमारे पास एक सप्लाई ये बची हुई है, तो ये हमारे पास दो सप्लाई बची हैं सिर्फ, जिससे हम सेलिंग के लिए जाएंगे लेकिन कन्फर्मेशन के साथ जाएंगे। डायरेक्टली हम कभी भी सेल नहीं करते यहाँ पे। तो इसका सबसे बड़ा क्या है कि हम सेल कब करें, अभी यहाँ पे सेल हम कब तब करेंगे भाई जब ये ब्रेक हो जाएगी। वैसे तो क्या होता है कि जो ये सप्लाई है कम से कम भी 50% पे तो मार्केट आनी चाहिए थी इसके, कम से कम भी मिनिमम, जो मेरा मन कहता है कि 50% पे तो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, कम से कम भी आप ये प्रॉपर 70% या 50% तो ये मिटिगेट होनी चाहिए थी सप्लाई हमारी। चलो एनीवे, फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तो अब हम सप्लाई, अब हम यहाँ पे सेल कब कर सकते हैं। पहले तो ये 15 मिनट का ग्राफ है, 15 मिनट के हिसाब से ये सबसे पहले तो ब्रेक होनी चाहिए ग्रीन कैंडल हमारी, सबसे पहले तो ये ब्रेक होनी चाहिए हमारी, उसके बाद ही हम सेलिंग पे जाएंगे। ध्यान रखना हम पहले सेलिंग नहीं करेंगे यहाँ पर कभी भी। ये 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए, और मोस्टली केसेज में क्या होना चाहिए हमारा कि एक जो रेड कैंडल आए 15 मिनट की नीचे क्लोज हो इसके। वीक से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो हम कोशिश करो कि वीक से हमारे, वीक से ना हो, बॉडी से हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाए। सबसे पहला रीजन तो ये है भाई, ठीक है, कोशिश करो 15 मिनट की जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हो ग्रीन के। ये कहते हैं जैसे इनगल्फिंग बन गई, इनगल्फ कर लिया इसको, बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं जिसको। या दूसरी कैंडल कोई दिक्कत नहीं है, बेरिश इनगल्फिंग तो नहीं बनी, ये कैंडल बन जाए, अगली कैंडल बन जाए, तो ये कैंडल बननी चाहिए हमारी सबसे पहले तो भाई। उसके बाद फिर हम जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट में बताऊंगा आपको मैं। ये गई और ये ब्रेक हुई, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाओ 50% पे, यहाँ पे कोई हमें एक अच्छी सप्लाई मिलेगी, ठीक है, अच्छी सप्लाई मिलेगी या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तुम यहाँ पे डेफिनेटली सेल करेंगे। सबसे पहले स्कैल्पिंग तो ये है भाई, कम से कम भी मिनिमम तो यही रहेगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद आप नीचे अपना स्टॉप लॉस सेल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अभी क्या, मान के चलो कि ये ब्रेक हो चुकी है आपकी, अगर ये ब्रेक होती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, फिर सेम वही प्रोसीजर है हमारा। उसके बाद भी फिर हमारे पास एक सप्लाई है, फिर तो देखो न्यू हाई ही लग जाएगा। तो ये इससे देखो, मेरा जो मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट को न्यू हायर हाई अभी नहीं लगा सकती, जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है। देखो वैसे तो करने को कुछ भी कर सकती है मार्केट, लेकिन जो हमारा एनालिसिस कहता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एनालिसिस जो 90 अबोव से एक्यूरेट हो कम से कम भी, ठीक है, 90 अबोव से एक्यूरेट कोशिश करते हैं हम, हो जाए, होता है वैसे तो नॉर्मली 100, अभी तक तो 100% ही चल रहा है, लेकिन हमारा फिर भी रहता है कि हम 90% से ऊपर दें आपको एक्यूरेसी। तो एक सप्लाई ये बची है और दूसरी सप्लाई ये है भाई हमारे पास। अगर ये अगर नहीं बनता फिर तो छोड़ दो, देखो एक ये ब्रेक हो चुकी है, फिर छोड़ दो इसको, फिर छोड़ दो। लेकिन इस टाइम जो स्ट्रक्चर कह रहा है, अगर ये ब्रेक भी होती है, अगर ये ब्रेक स्ट्रक्चर के हिसाब से, हर टाइम नहीं है स्पॉट रेजिस्टेंस पे कि ब्रेक हो जाए, नहीं, वो अलग अलग तरीके हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए तब भी हम, अगर ये ब्रेक होती है तब भी इनगल्फिंग मिलती है, रेड कैंडल जिसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो चेंज, ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ तो हम डेफिनेटली यहाँ से 50% से यहाँ से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर इस पर रहेगा भाई, सेकेंड वाली सप्लाई पर अगर टूट गई तो फिर तो न्यू हाई लग जाएगा, फिर छोड़ दो, फिर उसका और एनालिसिस करेंगे ये ब्रेक होगी तो, ठीक है। वैसे तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया, मेरे को नहीं लगता कि ये ब्रेक होनी चाहिए, वैसे तो देखो करने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनीवे, अब 1 मिनट का स्ट्रक्चर और आप भी देख लेते हैं भाई, 1 मिनट का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, 1 मिनट के स्ट्रक्चर पर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर कहता है भाई, सबसे पहले तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बीएस हमारा ये बना है और एक बीएस हमारा ये बना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये ब्रेक हो जाए, सबसे पहले तो ये ब्रेक होना चाहिए भाई, देखो सबसे पहले तो ये ब्रेक हो जाए, और या
फिर ये ब्रेक हो जाए, कोशिश करो। देखो वैसे तो कंफर्म हमें यहीं पे हो जाएगा कि यार ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी सेलिंग के लिए फिर जा सकते हो, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट टाइट स्टॉप लॉस, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना टाइट स्टॉप लॉस। देखो इसका एक और बता देता हूँ तुम्हें, इसमें हम और क्या कन्फर्मेशन ले, 1 मिनट में भी कन्फर्मेशन, ताकि हमारा जो लॉस हो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम हो। मान के चलो कि मार्केट हमने ये सप्लाई लगा दी यहाँ पे, ये उसको आए और ये ब्रेक कर दे भाई, ठीक है। तो ये अगर ऊपर मार्केट जाए तो डेफिनेटली हम दो टाइप से हम सेल कर सकते हैं। यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो सेल करेंगे फिर हम यहाँ से, या ये जो एरिया बचा हुआ है यहाँ से, यहाँ से हम डेफिनेटली फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये ब्रेक होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो ये ब्रेक होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली ऊपर जा रही है, मान के चलो, जस्ट 1 मिनट, अब देखो क्या कर रही है मार्केट। अगर डायरेक्टली ऊपर जा रही है तो भाई फिर छोड़ दो, फिर सेल नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो हमारी 15 मिनट की कैंडल थी वो ब्रेक नहीं हुई। अभी ब्रेक होगी तभी तो सेलिंग के लिए जाओगे ना। नॉर्मल वैसे बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे ब्रेक हो जाए फिर आप डेफिनेटली सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्कैल्पिंग के हिसाब से बिल्कुल ले सकते हो, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। ये ब्रेक होना चाहिए आपका भाई सबसे पहले तो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये ब्रेक होना चाहिए आपका, उसके बाद फिर आप सेलिंग के लिए जाओ। दोबारा 15 मिनट में स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, इससे डिपली तो शायद ही आपको कहीं मालूम लग रहा होगा। ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, जो ये ग्रीन कैंडल है ये ब्रेक होनी चाहिए भाई, और मार्केट बॉडी से नीचे आके क्लोज हो जाए तो फिर डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए जाओ यहाँ से, ठीक है। डेफिनेटली जाओ सेलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, स्कैल्पिंग करो फिर आप 50, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट जितने भी करने हैं आपने करो आराम से, कोई % दिक्कत नहीं है। या 1 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता दूँ आपको, 1 मिनट टकराया और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे भी कोई इंड्यूसमेंट दिया और ये ऐसे और ये ब्रेक, फिर डेफिनेटली जाओ ना सेलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस भाई। अगर आपको कुछ और भी एनालिसिस चाहिए, किसी स्टॉक का चाहिए या निफ्टी 50 का चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दें ताकि मैं उसका भी स्टार्ट कर सकता हूँ एनालिसिस। और आपका जो सहयोग है वो ज़्यादा होना चाहिए भाई, ताकि आपके सहयोग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।